पूर्णिया पुलिस ने केहाट और सरसी थाना अंतर्गत बहुचर्चित नीरज कुमार झा, पूर्व जिला परिषद सदस्य विश्वजीत सिंह उर्फ रिंटू सिंह एवं बेनी सिंह हत्याकांड का सफल उत्पीड़न कर लिया है। पुलिस ने हत्याकांड का मास्टरमाइंड मोस्ट वांटेड आशीष सिंह उर्फ अठिया सहित कुल 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। अठिया पर बिहार सरकार के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित था। गिरफ्तार अपराधियों में पूर्णिया के सरसी निवासी पप्पू सिंह का पुत्र आशीष सिंह उर्फ अठिया, नगोछिया के मरवाड़ी धर्मशाला निवासी ललित कुमार झा का पुत्र केशव कुमार झा, दरभंगा के घरारी निवासी स्वर्गीय विजय सिंह का पुत्र छोटू सिंह उर्फ ऋषिकेश उर्फ पत्थर सिंह, सरसी निवासी पूजन सिंह का पुत्र सीटू कुमार सिंह, दशतपुर निवासी देवनंदन शाह का पुत्र रमेश कुमार, सरसी निवासी मनोज कुमार सिंह का पुत्र सुशांत कुमार, नवछा के भवनपुरा निवासी मुनचुन सिंह का पुत्र मोनू कुमार सिंह एवं सरसी निवासी भरत सिंह का पुत्र मिट्टू कुमार सिंह शामिल है। हत्याकांड का खुलासा करते हुए पूर्णिया एसपी दयाशंकर ने बताया कि हत्याकांड का उद्भेदन करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में घटना में शामिल केशव कुमार झा को नवछा से गिरफ्तार किया गया। पकड़ाए अभियुक्त के निशानदेही एवं स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर घटना के शूटर छोटू सिंह उर्फ ऋषिकेश उर्फ पत्थर सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद सूत्र से संपर्क स्थापित कर घटना के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोस्ट वांटेड आशीष सिंह उर्फ अठिया को पूर्णिया पुलिस के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर से पीछा करते हुए पूर्णिया के हरदा के एक लाइन होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। इन सभी अपराधियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है और सभी को न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। रिंटू सिंह हत्याकांड जो है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए पूर्व में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा था और इसी क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई की और लगातार कार्रवाई जारी। हमारे की जो मुख्य अभियुक्त घटना के थे आशीष कुमार उर्फ अठिया, इसके ऊपर मुख्यालय स्तर से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज सुबह इसकी भी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है और इसके साथ साथ घटना में शामिल 4 अन्य लोग की भी गिरफ्तारी हम लोग के द्वारा की गई है, जिन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा है। आप लोग को ये पूरा डिटेल पुलिस में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आशीष सिंह, केशव कुमार झा और सुशांत कुमार, मोनू कुमार सिंह एवं रमेश कुमार, इन 5 अभियुक्तों को सरसी थाना कांड संख्या 158/21 में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दिनांक 6 जनवरी 2022 को केहाट थाना अंतर्गत नीरज झा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड के बाद हम लोगों ने त्वरित उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरोज जी के नेतृत्व में एक टीम का गठित किया गया था। इस टीम में सदर थाना प्रभारी, मरंगा थाना प्रभारी, तकनीकी सेल के प्रभारी, लगातार मानवीय और तकनीकी साक्ष्य को एकत्रित करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की और केशव झा की गिरफ्तारी नौगछिया से हम लोगों ने इसी क्रम में किया। केशव झा के द्वारा बताया गया कि बस स्टैंड के विवाद के कारण नीरज झा की हत्या हुई है और नीरज झा की हत्या की प्लानिंग जो थी वो आशीष सिंह उर्फ अठिया, पुंकेश सिंह जो अभी वर्तमान में सहरसा जेल में बंद है एवं मिट्टू सिंह जिसको कुछ दिन पहले हम लोग के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, इन तीनों के द्वारा की गई थी। इन लोगों के द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2022 को पूर्णिया में आपका वसंत विहार के पास एक कमरा लिया गया था। उस कमरे में केशव झा, छोटू कुमार सिंह और एक और फ्यूचर है जिसका नाम अभी आपको हम नहीं बता रहे हैं, वो तीन लगातार रह के रेकी करते थे, नीरज झा की गतिविधियों पर नज़र रखे थे। उस दिन नीरज झा की घटना, उस दिन नीरज झा वहाँ पर मौजूद थे, इसकी सूचना सिंटू ने उपलब्ध कराई और छोटू ने उपलब्ध कराई। केशव झा एवं एक अन्य शूटर ने इस घटना को अंजाम दिया है और कुछ लोग हैं जो तकनीकी साक्ष्य में आए हैं जिनके द्वारा इस घटना को करने के लिए केशव झा को कुछ पैसे भी दिए गए थे, उन लोग की भी गिरफ्तारी के लिए हम लगे हैं, वो तो कल तक इसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। मूल रूप से जो विवाद है इसके पीछे वो बस स्टैंड का विवाद है जिस कारण से नीरज झा की हत्या हुई थी। इसके मुख्य अभियुक्त जो है वो षड्यंत्रकर्ता हमारे आशीष कुमार पाठिया, मुकेश सिंह अभी न्यायिक हिरासत में है और मिट्टू सिंह को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। केशव झा, छोटू सिंह
पिंटू सिंह, इस कांड के अन्य तीन अभियुक्त हैं, इनको हम लोग गिरफ्तारी कर ली गई है और एक अन्य स्कूटर की भी गिरफ्तारी बहुत कर ली है। केशव सिंह की, केशव झा की गिरफ्तारी नौगछिया से की गई है, छोटू सिंह की गिरफ्तारी दरभंगा से हुआ है और आशीष की गिरफ्तारी, आशीष के बारे में घटना के बाद इसने मध्य प्रदेश में जाके अपना शरण ले लिया था वहाँ पर एक अपने मित्र के पास, इसके मित्र की भी संलिप्तता इस घटने में है। हम लोग लगातार उसके ऊपर तकनीकी और मानवीय रूप से नज़र रखे हुए थे और उसके मूवमेंट की जानकारी हम लोग को मिली कि ये मध्य प्रदेश से वापस बिहार की तरफ आ रहा है। हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, हम लोगों ने इसका पीछा किया और इसी क्रम में हरदा बाजार के पास हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी, आशीष सिंह की गिरफ्तारी, आशीष सिंह पठिया की गिरफ्तारी की। इनके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं अभी तत्काल जो हम हमारे पास सूची है उसके हिसाब से 4 मामले, जिसमें 3 हत्या के मामले और एक आम सेक्ट का मामला इसके ऊपर दर्ज है। पहचान हुई है कैसे? केशव झा और दूसरा शूटर है मुख्य, उसका भी पहचान हो गया है, बहुत जरूरी थी। आशीष सिंह के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मुख्यालय के द्वारा घोषित किया गया। सर, रिंटू सिंह हत्याकांड में वजह क्या बताई गई है? रिंटू सिंह हत्याकांड में जैसा कि आशीष के द्वारा बताया गया है कि रिंटू सिंह से इसका कुछ दिन पूर्व में एक विवाद हुआ था, उस विवाद के कारण ही इसने, आपसी विवाद के कारण ही इसने उसकी हत्या कर दी। बेनी सिंह हत्याकांड में सर? बेनी सिंह हत्याकांड में भी विवाद का कारण ही मुख्य रूप से था, तीनों में आपसी, इनके बीच में जो आपसी दुश्मनी है इस कारण से वो तीनों घटनाएं हुई हैं। बेनी सिंह में भी इसने अपना स्वीकार किया है कि उस घटना में मेरी संलिप्तता थी, रिंटू सिंह हत्याकांड में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और इसी प्रकार नीरज झा हत्याकांड में भी ये षड्यंत्र करता है, इसने स्वीकार किया है। सर, ये हथियार कहाँ से लाया? हथियार अभी जो एक शूटर हमारे तरफ से बाहर है उसके पास हथियार है, हम लोग बहुत जल्द उसको हथियार के साथ गिरफ्तार करेंगे। इन लोगों के पास से सर कुछ भी बरामद नहीं हुआ? और इनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, मोबाइल फोन से हमने सर मैंने तीनों हत्या में जो आरोपी हुए कोई हथियार बरामदगी नहीं हुई है सर? नहीं, अभी हथियार हम लोग के पास कोई भी, तीनों हत्या का नहीं, अभी तत्काल जो हम रिंटू सिंह हत्याकांड और नीरज झा की बात करें इसमें हमें हथियार बरामद नहीं। अभी षड्यंत्र के बिंदु पर जांच अभी जारी है, षड्यंत्र के बिंदु पर क्या संलिप्तता बाकी अभियुक्तों की है, नामजद अभियुक्तों की, इस पर अभी अनुसंधान जारी है, उसके बारे में अभी बहुत। ये सब जो केशव है क्या ये प्रोफेशनल किलर है? और इसके द्वारा रिंटू सिंह हत्याकांड में भी ये अटिया के साथ मौजूद था और इसने कहा है कि बेनी सिंह हत्याकांड में भी मौजूद था, इसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि इसने नीरज झा हत्याकांड में खुद ये वहाँ पर घटनास्थल पर था। गोली इसके द्वारा, गोली किसने चलाया? ये गाड़ी चला रहा था, गोली इसके पीछे बैठे वो अभी पुलिस से। सर, बेनी सिंह और रिंटू सिंह में से गोली चलाने वाले शूटर कौन थे? रिंटू सिंह में हटिया के द्वारा गोली चलाया गया था और बेनी सिंह में तो पूर्व में इसके पीसी हुई है। सर, काफ़ी देर तक बसता रहा, किसी का संरक्षण प्राप्त था? जैसा कि हमने बताया कि घटना के बाद ये अपने मित्र के साथ मिलकर मध्य प्रदेश चला गया था और लगातार हम लोग इसका यहाँ के जितने भी कॉन्टैक्ट है, नौगछिया हो गया और अगल बगल के जिलों में जो भी कॉन्टैक्ट है वहाँ पर नज़र बनाए हुए थे, हर तरह की गतिविधि पर नज़र रखी गई थी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि कोकून में चला जाना, ये कुछ दिन तक कोकून में चला गया जिस कारण से अभी तक हम लोग के गिरफ्त से बचा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम लोग को तकनीकी साक्ष्य मजबूत मिला और मानवीय कुछ भी कंफर्म किया हम लोगों ने, वापस आ रहा था तो फिर इसका कुछ योजना था क्या? इस बार जो मध्य प्रदेश से वापस आ रहा था टारगेट था इसका? सर, एक साल तक हटिया कहाँ रहा था? अभी रिंटू सिंह के हत्याकांड के बाद और नीरज झा के हत्याकांड के बीच की पूछताछ हम लोगों ने की है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ था इसके बारे में अभी इससे पूछताछ की है। नीरज हत्याकांड के बाद एमपी गया था सर जी, अभिनंदन यादव का कोई भूमिका है अभी? अभी अभी गिरफ्तारियाँ कितनी हुई है? कुल गिरफ्तारी 7 है जिसमें 151 21 कार्ड संख्या जो सरसी है उसमें 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है और एक अभियुक्त 19 कांड। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।